चलिए, बड़े कमाल की बात कही है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग बहुत देर से समझ में आते हैं और उन्हें समझने के लिए समय देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो चलिए 27 जून 2022 का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तपन कुमार डेका। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। आईबी का मतलब हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई 1887 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। तो पहला है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए अध्यक्ष कौन है? तो नए अध्यक्ष है प्रमोद के मित्तल। उसके बाद सेकेंड है, भारतीय प्रेस परिषद PCI की नए अध्यक्ष कौन है? तो रजना प्रकाश देसाई। तीसरा नंबर है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महान निदेशक कौन है? तो राजेश गेरा। चार नंबर है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन है? तो SS मुद्रा। पाँच नंबर है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो है, DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ से किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के चांदपुर से। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, VLSSM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को DRDO और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। उसके बाद VLSRSM मिसाइल के बारे में जानते हैं। इस मिसाइल का वजन है 154 किलोमीटर और यह करीब 12.6 फीट लंबी है। VLSRSAM मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इस मिसाइल को आपातकाल की स्थिति में किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वर अय्यर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है सुमन केवेरी। क्वेश्चन नंबर फोर है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फोर नंबर है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जून। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल 26 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना साल 1987 में की गई थी। यह दिवस लोगों को नशे से मुक्त करने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है, स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में मादक द्रव्य चुनौतियों का समाधान। उसके बाद पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। तो पहला है, विश्व वर्षा वन दिवस 2022 तो कब मनाया जाता है? तो 22 जून को। इसका थीम है द टाइम इज नाउ। सेकेंड नंबर है, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 ये 20 जून को। इसका थीम है होवर और व्हाट एवर, हुईवर व्हाट एवर वेन एवर एवरीवन हैज द राइट टू सेक सेफ्टी। उसके बाद थर्ड नंबर है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 17 जून। इसका थीम है रीसिंग अप फ्रॉम डाउट टुगेदर। उसके बाद चार नंबर है, परिवार पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 इसका है 16 जून। इसका थीम है रिकवरी एंड रिसिलाइंस ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके बाद पाँच नंबर है, विश्व बुजुर्ग
दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022, इसका 15 जून है। इसका थीम है डिजिटल इक्वाटी फॉर ऑल एज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेव नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो किसने, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य केरल राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसमें राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके परिवार आश्रित शामिल हैं। इस योजना में वर्ष 2022 से 24 की पॉलिसी अवधि के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वार्षिक प्रीमियम 4800 रुपये प्लस 18% GST होगा और मासिक प्रीमियम 500 रुपये वेतन पेंशन से काट लिया जाएगा। केरल है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है इसमें 9 और विधानसभा सीट है 140। केरल की राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। उसके बाद है केरल के राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामोड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मटिकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद केरल के लोक नृत्य हैं कालीअट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादियानीओट्टम। उसके बाद केरल के प्रमुख हवाई अड्डे, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलम हवाई अड्डा। केरल के प्रमुख महाउत्सव, ओणम त्यौहार, लोक कला उत्सव, कल्पथिरथ महोत्सव, कलियापट्टम थियम उत्सव और अट्टुक्कल पोंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सहकारी नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान करने के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विजय अमृतराज। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रशासन, पदोन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन करते हैं, तो पहला है वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020A। इसका आंसर है गोपाल कृष्णन। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022, तो इसका आंसर है अना काबलेदुआ, केन्या। तीसरा नंबर है प्रतिष्ठित टेम्पलटन पुरस्कार 2022, तो इसका आंसर है फ्रैंक विल्जक। उसके बाद है 4 नंबर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, तो इसका आंसर है सीथिया रोसेन जेविंग। 5 नंबर है किस भारतीयों को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है इंद्रजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्याम शरण। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्याम शरण इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन है? तो श्याम शरण NH वोहरा का स्थान लेंगे और IIC यानी कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इसकी स्थापना हुई 1962 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 यानी कि फर्स्ट का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कार्यक्रम का आयोजन
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में उन रसद सेवा प्रदाताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने नवाचार, विविधता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। पुरस्कार विजेता के नाम बताते हैं, तो पुरस्कार विजेता के नाम हो गया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार, यानी कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई में है। सर्वश्रेष्ठ कांगरो एयरलाइन और टर्मिनल ऑपरेटर द फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेंज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ रोड फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर द DHL सप्लाई चेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका हो गया अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह सेवा प्रदाता कौन है, तो इसका आंसर है DP वर्ल्ड। सर्वश्रेष्ठ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका आंसर है अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। सर्वश्रेष्ठ वेयर हाउस से प्रदाता तो कौन है, तो इसका है भारतीय परिवहन निगम लिमिटेड TCI गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 है हिमाचल प्रदेश के उच्च मुख्यालय के 27वें यानी कि 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमजद अहतेशाम सैयद। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमजद अहतेशाम सैयद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने जस्टिस मोहम्मद रफीक का स्थान लिया है। पिछले टॉप 5 हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। सेकेंड नंबर उत्तर भारत का पहला वैभू विलेज कहाँ बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश में गंडावल। 3 नंबर क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले से बना है, तो इसका आंसर है मंडी। क्वेश्चन नंबर 4 है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 27 जून के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर है 25 जून 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो कौन सी है, तो 7वीं है। योजना शुरू हुई 25 जून 2015 से। 12 नंबर क्वेश्चन है चीन में जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो कितने हैं, तो 3 हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है, तो कब है, तो 25 जून। इसका थीम है योर वोयेज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। उसके बाद 14 नंबर है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के सबसे लंबे पदा पुल का उद्घाटन किया है, यह पुल किस नदी पर बना है, तो इसका आंसर है पदिया नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है अत्याचार के पीड़ितों में समर्थक में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया है, तो 26 जून। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं, तो तपन कुमार डेका। 2 नंबर है DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSM नामक सतह से हवा में माफ करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है, तो उड़ीसा से चांदीपुर। 3 नंबर है नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, तो परमेश्वर अय्यर। 4 नंबर है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया जाता है, तो 26 जून। 5 नंबर है किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेफ नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है, तो केरल। 6 नंबर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। 7 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है विजय अमृतराज। 8 नंबर क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर है श्याम शरण। 9 नंबर है केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद
उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। 10 नंबर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो अमजद अते शाम सैयद। 11 नंबर है, 25 जून 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमयू की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसका आंसर है 7वीं। योजना शुरू हुई 25 जून 2015 से। उसके बाद है 12 नंबर है, चीन के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कितने नए रिमोट सेंसिंग रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है 3। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता गया है, तो इसका आंसर है 25 जून। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के सबसे लंबे पदया पुल का उद्घाटन किया है, यह पुल किस नदी पर बना है, तो इसका आंसर है पदया नदी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 को मनाया गया है, तो इसका आंसर है 26 जून। उसके बाद आज का डेली एसटीक जीके करते हैं, तो है पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, तो जिप्सम से। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के रूप से जाना जाता है, तो बेंगलोर। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो कैरोलस लिनियस। 4 नंबर है, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट। 5 नंबर है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो विपिन चंदुपाल। 6 नंबर है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। 7 नंबर है, भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका आंसर है 1926 में। 8 नंबर है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का प्रख्यात शासक था, तो चालुक्य वंश। 9 नंबर है, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी। 10 नंबर है, हुमायूं द्वारा दीनपनाह नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1533 ईस्वी में।